नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? अभी मैं टंकी पे आया हूँ, आपको दिखा रहा हूँ अपना कैंपस एरिया जो अभी बन रहा है। टंकी ये बन रही है, 16 मीटर स्टेजिंग की टंकी है जो आप देख रहे हो। ये भराई में लगोगे? हाँ, ये सब पूरा भरोगे ना? ये हमारी आउटलेट की पाइप है। अभी क्या करने जा रहे हो तुम? और इसको मैं बैक फिलिंग कराने वाला हूँ। मिट्टी पूरा भरोगे ना? हाँ, पूरा पैक करो अच्छे से। कब कराऊंगा मैं सोच रहा हूँ इसको। थोड़ा सा पैक करने के बाद पानी हम चेक कर लेंगे। एक साथ पैक नहीं करना, थोड़ा थोड़ा उसके बाद हम इसकी बैक फिलिंग कराएंगे। कोशिश करना पाइप के नीचे लीकेज हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हम आसानी से उसको खोल के पाइप के नीचे खाली नहीं छोड़ना। नहीं तो तुम साइड साइड में मिट्टी डालोगे पाइप के नीचे। अगर डीआई पाइप में तो बाद में इस पे कोई लीकेज नहीं रहता, पाइप में लीकेज नहीं रहता। पाइप के जॉइंटिंग में कहीं जॉइंट हो तो वहाँ पे लीकेज आ सकता है। बीच बीच में ईट वगैरह लगा देना ऐसा। हाँ, ये मैं टॉप डोम के अंदर टंकी के अंदर हूँ। प्लास्टरिंग के लिए बोला मैंने इनको। प्लास्टर का काम यहाँ तो आप देख सकते हो, प्लास्टर का काम चालू है। प्लास्टर चल रहा है। प्लास्टर का काम चालू है दोस्तों। अच्छे से ढके हो ना इसको, हड़ताल तो नहीं है? कभी भी आप टंकी के अंदर जाएं तो आप जरूर ध्यान दें, जो हमारी पाइप होती है आउटलेट इनलेट जो भी पाइप है उनके ऊपर बोरी जरूर रखवा दें, क्योंकि लेबर की लापरवाही की वजह से कभी कभी क्या होता है कि जो मटेरियल होता है हमारा, सीमेंट कंक्रीट का मटेरियल होता है, वो हमारा मोटार जो वो चला जाता है पाइप में, वो चोक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है आगे चलते। तो इस चीज़ का तो ज़रूर ध्यान दें आप सर। बाकी इसका फ्लशिंग से तो आप डेली तो जा नहीं सकते, पर हाँ हफ्ते में एक दो बार तीन बार जरूर राउंड लगाएं वहाँ पे और जाके देखें। अच्छे से ढके हो ना इसको, पूरी रखवा दी है। हड़ताल तो नहीं है? नहीं तो ये इनका कोई भरोसा नहीं। इसके ऊपर ईट वगैरह रख दो कुछ ना, अपने को होना पड़ता है।